बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्दी एंड टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी चॉकलेट केक, जिसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप सूजी, 1 कप चीनी, 3/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून वनीला एसेंट, 1/2 कप दही, 1/2 कप दूध और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। पहले हम लेंगे ब्लेंडर जग, जिसमें ये ऑयल डालेंगे, 3/4 कप ऑयल, 1 कप चीनी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/2 कप दही और 1 टीस्पून वनीला एसेंट। और हम इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर देंगे। देखिए ये ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप सूजी और 1/2 कप दूध और फिर मैं इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर दूंगी। देखिए ये ब्लेंड हो चुका है। अब मैं एक बाउल में इसको डाल दूंगी और इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको ढककर 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कप मैदा डालूंगी। ये 1 कप मैदा है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी और इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं बेकिंग के लिए एक बर्तन लूँगी, जिसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और मैं अब इस पर बटर पेपर लगा दूँगी और इसको भी ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अब मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे सारा। ये पहले ही चूल्हे पे एक पतीली रख दी थी, जिसके ऊपर मैंने इस तरीके से स्टैंड रख दिया था। अब मैं ये जो केक के लिए मैंने ये बनाया है, ये मैं इसमें रख दूंगी इस तरीके से। और इसको ढक्कन ढक के 2 मिनट के लिए हम दरमियानी आंच पे रखेंगे, फिर हम 30 से 35 मिनट के लिए स्लो आंच कर देंगे। अब इस पर हम ये इस तरीके का कपड़ा ढक के रख देंगे और 30 से 35 मिनट के इसको छोड़ देंगे। ये देखिए 30 से 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमें आपको बताते हैं केक कैसे चेक करते हैं। ये टूथपिक लेके मैं इसको इस तरह डालूंगी अंदर। ये देखिए ये साफ है। अगर ये गीली होती अंदर से, इसका मतलब केक नहीं हुआ। अब ये केक हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखिए मैंने केक को डिश आउट कर लिया है। ये मज़ेदार सूजी चॉकलेट केक तैयार है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।